हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है स्टेप वेल्स, एज इन वो अहमदाबाद की अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जाना और उसके बारे में डिस्क्राइब करना। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सो लेट मी शेयर। स्टेप वेल्स को एक्चुअली गुजराती में वाव कहा जाता है, एंड मेरी बात मानो, वो जगह सीरियसली इट वॉज अ वाव। ओ माई गॉड, दैट अमेजिंग वाइब, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। सो लेट मी डिस्क्राइब, बट हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टेप वेल्स एक्चुअली होता क्या है। स्टेप वेल्स आर दोज वेल्स और पॉन्ड्स इन विच द वाटर इज रीच्ड बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स टू द वाटर लेवल। दे मे बी मल्टी स्टोरेड विद द बुलक टर्निंग अ वाटर व्हील टू रेज द वेल वाटर टू द फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर। दे आर मोस्ट कॉमन इन वेस्टर्न इंडिया एंड आर ऑल्सो फाउंड इन अदर एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप वेल्स इज मेनली यूटिलिटेरियन, दो दे मे इंक्लूड एम्बलिशमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस एंड बी टेम्पल टैंक्स। द स्टेप वेल ऑफ अम्बापुर इज अ स्टेप वेल इन द विलेज ऑफ अम्बापुर क्लोज टू द स्टेट कैपिटल ऑफ गुजरात, दैट इज गांधीनगर। द स्टेप वेल इज बिलीव्ड टू बी बिल्ट इन द ईयर ऑफ 1499 बाय रानी रूढ़ाबाई वाघेला इन द मेमोरी ऑफ रंजीत सिंह वाघेला, ऑल्दो इट डजेंट हैव एनी इंस्क्रिप्शन। द स्टेप वेल और वाव एज इट इज कॉल्ड इन गुजराती इज इंट्रिकेटली कार्व्ड एंड इज 100 स्टेप्स एंड 5 स्टोरीज इन डेप्थ। सच स्टेप वेल्स वेर वंस इंटीग्रल टू द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात एज दे प्रोवाइडेड बेसिक वाटर नीड्स फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। दीज वेल्स वेर ऑल्सो वेन्यूज फॉर फेस्टिवल्स एंड सेक्रेड रिचुअल्स। दैट आई कैचिंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रॉप ऑफ वाटर सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड रीजन्स टू सेव इट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स टू यूज वाटर सेफली। The height of that drop was about 7 meter and the width was about 4.5 meter. The depth of the well describes the struggle of people of Gujarat residing in those semi-arid regions. Also, the step well owes only single entrance, which is through the temple of Goddess Amba. Goddess Amba, as it describes, supreme power, energy, vibe and affiliation. And lastly, about the structure of this 15th century stepwell, it is enclosed by a low wall at ground level, has 5 kutas or pavilion towers of varying length. They may have had mandaps above with stone seats, remains of which are seen on top of the third kuta. The niches topped by ilika motifs are inset with large lotuses. The beams and the ledges along the walls have elegant brackets. The Ambapur Stepwell is protected under the Gujarat Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1965.